हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड लाइन है जो मुझे गानी है आप लोगों के लिए। कोई है जिनको मेरी आवाज में गजल सुनना है, जबकि मुझे गजल बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि बहुत स्लो उसमें होता है मोमेंट, बहुत रूह के साथ आपको उसको गाना पड़ता है, बहुत फील के साथ गाना पड़ता है। और जो मेरा स्वभाव है उसके अपोजिट बैठती है गज़ल। मेरा स्वभाव बहुत फनी और बहुत चुलबुला टाइप का है, तो मैं गज़ल्स को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ गज़ल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं फील करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी उनको गाने की कोशिश नहीं की है। बट ये वाली पर्टिकुलर कुछ लाइंस किसी ने रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर से सुनाइएगा, तो मैं इसे उनके लिए ये गा रही हूँ और वो सुन के खुद समझ जाएंगी कि उनकी आज मैंने विश पूरी कर दी है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। ये दो लाइनें ही मुझे याद हैं और मैं इसे गा रही हूँ। पूरी गज़ल मैं नहीं गाऊंगी, रीज़न मुझे देखो याद भी नहीं है और इसकी धुन भी याद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक मैं गज़ल गाने में उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। जितनी कंफर्टेबल होती हूँ मैं अदर सॉन्ग्स को गाने में, जैसे मेरा सबसे मोस्ट ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है बनाती है जो तू वो याद जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से आबाद है हवाएं हक में, वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ हो हो जितना एंजॉय करके फील के साथ मैं ये इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स गाती हूँ, उतना अच्छा फील मेरा गज़ल के साथ नहीं आता है। सो जिन्होंने मुझसे गज़ल की डिमांड की थी उन्हें मैंने पूरा एग्जांपल देके बता दिया कि मैं क्यों उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गज़ल गाने में मेरा गला भी मेरा साथ नहीं देता, वो रूह साथ नहीं देती है, वो फीलिंग ही नहीं आती है। थोड़ा सीरियस मोड में गाना होता है, थोड़ा फील के साथ गाना होता है, और मेरे अंदर का जो है ना वो मुझे गज़ल इसी वजह से नहीं गाने देता है, और उसके लिए बहुत धैर्य और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो आज आपने एग्जांपल्स देख ही लिए हैं। और हाँ, आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे भैया नहीं गाते बन रहा है तो क्या ज़रूरत थी गाने की, ऐसे ही बोल देती कि मैं नहीं गा पाऊंगी गज़ल। तो देखिए, मुझे लगता है कि एज अ व्लॉगर एज अ यूट्यूबर मैं आप लोगों से बोलती भी हूँ कि आप लोग बताइए आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, अगर आपने कुछ डिमांड की है और अगर मैं उसे पूरा कर सकती हूँ तो मुझे पूरा करना चाहिए, चाहे जैसी भी हो।
क्योंकि भाई मैंने तो यही सीखा है कि एक अच्छे लीडर को, जिसे एक संस्था चलानी होती है, जिसे कोई ग्रुप चलाना होता है, जिसे एक परिवार चलाना होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर किसी की इच्छा को पूरा कर सके, बिना बोले उनकी बातों को समझ सके। अगर उनकी कोई भी इच्छा ऐसी है जो उसके बस में नहीं है उसे पूरा करना, लेकिन पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने जो है आप लोगों की ये इच्छा पूरी करने की कोशिश की है। वैसे भी आजकल की दुनिया में हर किसी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, सफलता। जिस भी फील्ड में है उसे वहाँ पे जीत हासिल होनी चाहिए। हार को पता नहीं क्यों हम लोग इतनी जल्दी फेस नहीं कर पाते हैं, हम लोग इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि होना चाहिए, हमें हार का सामना भी करना आना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता है। अगर घर में कभी किसी को कोई चीज़ करने को बोलती हूँ और इनफैक्ट अगर वो भी मना कर दे किसी भी रीज़न से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाई। भले मैंने बचपन से सुना है कि कोई काम अगर हमारे अनुकूल नहीं होता है, हमारे सोचे अनुसार नहीं होता है, तो और जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, इसमें तुम्हारी कोई अच्छी भलाई होगी, अच्छा हुआ तुम्हारी वहाँ पे जॉब नहीं लगी, तुम्हारी उसमें कोई भलाई छुपी होगी, तुम्हें इससे भी अच्छा कुछ मिलना होगा, है ना। हम हमेशा हर चीज़ विधि के विधान पे टाल देते हैं, अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं कि इससे भी अच्छा कुछ हमारे लिए है, इस वजह से ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली है। लेकिन ना मिलने की एक कसक होती ही होती है, जब तक आपको रियली में उससे कुछ अच्छा ना मिल जाए, हमेशा यही होता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो अच्छा पाने की योग्यता हमारे अंदर है कि नहीं, है ना। हम कोशिश करते हैं, वो चीज़ अगर हमें नहीं मिली, ऑब्वियसली निराशा उस समय ज़्यादा हैवी हो जाती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और हम उससे निकलने के बजाय या तो यही सोचते हैं कि अब वो हमारे लिए नहीं था, या फिर हम उससे अच्छे की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। एक होता है ना, जो बच्चे एग्जाम्स वगैरह देते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स देते हैं, लगातार कॉम्पिटिशन्स में लगे रहते हैं। आजकल तो ये पैशन बन गया है कि बस एक 12th कर ली, उसके बाद उनको एक कॉम्पिटिशन की तैयारियों में लग जाते हैं, साथ में कॉलेज के साथ में वो लोग जाने कितने तरह के कॉम्पिटिशन्स देते हैं। तो उससे उनकी पढ़ाई होती रहती है, रीजनिंग उनकी चलती रहती है, उनका नॉलेज बढ़ता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के डेट में कोई मुझे बोले कि कौन बनेगा करोड़पति चालू होने वाला है, अंकिता तुम तो डबल है, मैं PhD, चलो लग जाओ, नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लगातार टच में नहीं हूँ पढ़ाई के, लगातार उसके नहीं। और वही जो लोग इस तरह का कंपटीशन देते हैं, जो लोग ठान लेते हैं, कई बार असफल होते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू सुना है जो बहुत आगे तक चले जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे उनका नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से सबक लेके मुझे तो लगता है कि मुझे कौन सा नौकरी करना है, जबकि ये एटीट्यूड बहुत गलत है। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आप आगे किसी को बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, और किसी को नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चे को तो समझाना ही समझाना है, पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसको तो गाइड करना ही है, तो चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन हो जाता है कभी कभी, कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती तो मैं हमेशा अपने आप को अंदर से ऐसे बोलती हूँ मुझे इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा, जब कोशिश करूंगी तभी तो मिलेगा ना, लगातार टच में रहूंगी तभी तो मिलेगा ना। और सारे दिन दुनिया की बातें छोड़ दीजिए, मैंने अपने जीवन में सिर्फ दो चीज़ों को साधा है, एक अपने परिवार को और एक अपने YT फैमिली को। तो YT फैमिली की भी जब कुछ इस तरह की डिमांड्स आती हैं जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ, बहुत जेन्युइन होती हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। मैं गज़ल नहीं गाती हूँ, गज़ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे साथ बहुत मैं गज़ल गाती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, या सुनती हूँ तो बाप रे मेरे पता नहीं कौन से कीड़े मुझे काटते हैं, मैं गज़ल सुन भी नहीं सकती हूँ, ऐसी मेरे अंदर वो है ना। मेहंदी हसन और जाने कितने अच्छे अच्छे गायक हैं, मगर मुझे ना उन लोगों के वर्डिंग्स पल्ले ही नहीं पड़ती है, मुझे लगता है क्या हर समय रोते रहते हैं, मेरी ये फीलिंग है। लेकिन जिन लोगों को गज़ल पसंद है उनके लिए तो गज़ल हीरा है, है ना। तो यही मैंने सीखा है कि चलो जो परिवार और YT फैमिली को मैंने अपनाया है, तो मैं जैसे अपने परिवार के हर एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश करती हूँ, वो लोग मेरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मैं अपनी YT फैमिली के साथ भी वही तालमेल बना लूँ, और ऐसा ना हो कि उसमें से कुछ लोगों को लगे, मेरे कुछ YT फैमिली फ्रेंड्स को ऐसा लगे कि अरे यार ये तो अपने ही अपना राग अलापती है, हम लोग कुछ कहते हैं तो ये सुनती नहीं है, हर समय टाल देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे बहुत सारे डिमांड्स आती हैं, कई बार बहुत सारे सॉन्ग्स की डिमांड आती है जिसे पढ़ के भी मुझे शर्म आती है कि हे भगवान मेरी आवाज़ अच्छी लगती है आप लोगों को, जबकि मैं गाती हूँ तो कभी कभी मेरा साउंड ही बंद हो जाता है असलियत में मैं जानती हूँ ना। तो होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन
अच्छा भी लगता है कि आप लोग डिमांड करते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं जो है जैसा बना आड़ा टेढ़ा आप लोगों के सामने गा दिया, और गाती तो मैं हमेशा ही रहती हूँ दोस्तों, हमेशा ही। आप लोगों में से कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि सिंगिंग करिए, थोड़ा सा गाइए, अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस यही है कि कभी कभी साउंड बंद हो जाता है ना, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। आप लोगों को पता नहीं चलता, मुझे पता चलता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। और अभी इस बार, इस साल जो है डबल सावन पड़ रहे हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे, इस बार सावन दो दो पड़ रहे हैं, और बहुत लंबा टाइम पीरियड हमें मिलेगा अपनी चीज़ों को एंजॉय करने का, बारिश को भी एंजॉय करने का। और इस टाइम पे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों की प्रतीक्षा करते हैं, उत्कर्ष और मैं तो सिर्फ गणपति बप्पा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि पूरे 10 दिनों के लिए हम लोग उनको अपने घर लेके आते हैं। तो अभी से ना मेरे माइंड में चल रहा है कि उनके लिए हमें क्या करना है। और इस बार संयोग ऐसा है कि मैं जो हरितालिका तीज निर्जला व्रत करती हूँ, उसी दिन गणपति बप्पा का जन्मदिन है, उसी दिन गणपति बप्पा का आगमन होना है, तो मेरे ऊपर डबल प्रेशर है। मतलब मैं जो है तीज का अलग पंडाल बनाती हूँ, अलग मंडप बनाती हूँ, उसमें मेरी बहुत मेहनत लगती है। उसके अलावा 10 दिनों का जो गणपति बप्पा का अरेंजमेंट होता है वो करती हूँ, उसमें मुझे मेहनत लगती है। अब मैं क्या कैसे कर पाऊँगी पता नहीं। और उस टाइम पे उत्कर्ष के तो स्कूल रहते हैं, उत्कर्ष की हेल्प मुझे थोड़ी कम ही मिलेगी। सो मैंने अभी से प्लान करना शुरू कर दिया है कि मुझे गणपति बप्पा का कैसा मंडप चाहिए, और मुझे तीज पे कहाँ और कैसे कितने में मैं कैसे पूजा कर लूँगी। सारी सब चीज़ें ना माइंड में चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान वहाँ भी मेरा डाइवर्ट है, और मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई कमी ना हो। हर बार बप्पा का स्वागत हम लोग करते हैं, लेकिन पिछले साल तो बाऊजी और विवेक जी नहीं थे, ये लोग नाडियाड में थे और हमने अकेले ही पूजा की, बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन ठीक है, चलो जैसी भगवान की इच्छा, वही है ना कि भगवान की मर्जी के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी कि हम पूरा परिवार मिलके साथ में उनका स्वागत करें, जैसे हम लोग हर साल करते थे। तो जो भी प्लानिंग करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी एक एक चीज़। तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। मैं सोचती हूँ कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर लूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।